हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैनल पर मार्बल केक बनने वाला। दिखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी। इस केक को बनाने के लिए आपको किसी के बर्थडे का इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि बिना बटर, बिना घी और बिना ओवन के तैयार करेंगे। भगोने में बेक करेंगे तो इसको प्री हीट करने रख देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक कप पहले से यूज़ करा हुआ ये नमक है। नमक में पड़े पड़े नमी आ जाती है, इसको दूर करने के लिए एक मिनट लो फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लेते हैं। और ये मैंने एक मिनट इसको रोस्ट किया और एकदम ये ड्राई हो चुका। अब इसके अंदर आप चाहें तो इस तरीके की ये प्लेट रखें या फिर ऐसे रिंग रखें, इसको 10 मिनट ढक कर प्री हीट होने देते हैं। केक बेक करने के लिए मैंने ये एक टिन लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस करें। यहाँ पर आप बटर पेपर लगाएं या फिर आटा लें। मैं यहाँ पर आटा लेके चारों तरफ इसके आटे की डस्टिंग कर लेते, एकदम अच्छे से कोटिंग हो जावे। ये अपना टिन भी तैयार हो चुका, अब केक का बैटर तैयार कर लेते। उसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें मैं सबसे पहले ये 2/3 कप चीनी ले रही हूँ। यहाँ पर आप चीनी थोड़ी ज़्यादा खाते तो 1 कप ले सकते हैं। और उसी के साथ ये मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया और 1/4 कप ये फ्रेश दही लिया और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस लिया। इन सबको विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि दही के अंदर छोटे छोटे चंक्स होते हैं, तो विस्कर से विक्स करेंगे तो ये चंक्स ख़त्म हो जाएंगे। 1 मिनट मैंने इसको विस्क किया, देख सकते एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपन छान लेते हैं। बहुत ही हेल्दी केक तैयार करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 कप आटा लिया है, जो घर में रूटीन में रोटी बनाते वही वाला आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, बट अपन हेल्दी बना रहे तो आटे से तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर लिया और 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा लिया। इन सबको अच्छे से छान लेते हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर हमने बहुत सारी केक की रेसिपी दी है, बट आज का केक बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला। अभी तक अपन ने इसके अंदर दूध मिक्स नहीं किया। यहाँ पर मैंने ये 1/4 कप दूध लिया है, 1/4 कप मैंने साइड में रखा है और ये अभी मैं 1 कप दूध डालकर इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आप बैटर तैयार करें। ये मैंने बैटर तैयार कर लिया, देख सकते एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और इसमें से 1 टेबल स्पून जितना अभी दूध बचा है इसको साइड में रखते हैं। अब अपने को इस बैटर को 2 भागों में डिवाइड करना। मार्बल केक तैयार करें तो अपने को 1 बैटर चॉकलेटी चाहिए, तो 1 भाग मैंने वनीला रखा है और दूसरे भाग में ये 2 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर मिक्स कर देते हैं। कोको पाउडर डालने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है, तो अपना पहले का ये दूध बचा हुआ वो डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने इसको मिक्स किया, कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, तो मैंने ये 1/4 कप पहले से ही नॉर्मल टेम्परेचर का दूध साइड में रख रखा है। तो अभी मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून जितना दूध डालकर इसको मिक्स किया और परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो चुकी है। आप पहले से ही नॉर्मल टेम्परेचर का दूध एक्स्ट्रा साइड में रखें। अब तैयार बैटर अपन टिन में डालते हैं। सबसे पहले सेंटर में वनीला का 1 स्पून डालें, फिर उसी के ऊपर चॉकलेटी, फिर उसके ऊपर वनीला, 1 बाय 1 एक के ऊपर एक इसी तरीके से अपन ने पूरा बैटर डालना है। ये मैंने पूरा बैटर डाल दिया है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आई है। और इसको अच्छी डिज़ाइन देने के लिए टूथपिक से इस तरीके से डिज़ाइन करें और ये अपना परफेक्टली केक बेक होने के लिए तैयार है। 5-6 बार इसको टेप करें और प्री हीटेड भगोने में इसको रखें 50-60 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको बेक करें। आपकी गैस की फ्लेम के अकॉर्डिंग समय कम ज़्यादा लग सकता है, आप थोड़े समय बाद में या पहले भी इसको चेक करके देखें। ये मेरे केक को बेक होते हुए 1 घंटा हो चुका है। टूथपिक मैंने इसको सेंटर में डाली और चेक किया, एकदम क्लीन आई, मतलब अपना केक परफेक्टली बेक हो चुका है। इसको बाहर निकाल के ठंडा होने देते हैं। ये अपना केक एकदम ठंडा हो चुका है, इसकी साइड्स चाकू से छुड़ा लेते हैं। वैसे तो अपन ने आटे की कोटिंग अच्छे से की है, फिर भी एक बार चाकू से छुड़ा लें। अब अपन इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये मैंने बाहर निकाल लिया, देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट केक तैयार हुआ है। ये केक बहुत ही आसान है और झटपट तैयार हो जाता है। इसको बनाने में आपको बाहर से कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।